हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 1521 पदों के सापेक्ष 1520 पदों के लिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जो डिफरेंट अलग अलग थे, फायरमैन, PAC, शिविर पुलिस, उसके लिए जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया था। तमाम जो है अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग पे आरोप लगाए, जैसे 2 क्वेश्चंस आयोग ने डिलीट कर दिए जो कि वो सही थे। उसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों की हाइट नाप को लेकर तमाम रहे। बाकी जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो फीमेल्स कैंडिडेट्स के जो सिलेक्शन था, 133 पदों के सापेक्ष उनको अधिक में जो है ज्वाइनिंग दे दी गई। हालांकि इसको लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है लोक सेवा आयोग की ओर से कि भाई ये नियमावली जो अग्निशमन संशोधन नियमावली 2021 थी उसके अनुसार हुआ था। लेकिन आज जो है कैंडिडेट्स ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर धरना दिया। तमाम अभ्यर्थियों ने क्या क्या इसके बारे में बात की, पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं, पुलिस का रिजल्ट आया था और उसमें 1521 वैकेंसी थी और उसमें क्या था, 445 थी उसमें फायरमैन की, और उसमें फायरमैन में क्या था, जो 30% आरक्षण है लड़कियों का वो ने देना था उसमें, जिन जो उनका आरक्षण था वो था 133। और ये पहले क्लियर नहीं गई, ये पहले क्लियर थी बातें। और अभी हाल ही में क्या हुआ था, रिजल्ट आने से पहले इन्होंने क्या करा, जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें भी बात खुली हुई है कि जो लड़कियों की पोस्ट है उनकी जो पोस्ट है उसमें दी हुई है कि 133 पोस्ट जो है ना वो लड़कियों की है, स्पेशल कहा था उन्होंने। जी, प्रेस विज्ञप्ति थी, जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसकी विज्ञप्ति निकाली गई थी, नियमावली थी, उसमें भी एक क्लियर की गई है चीजें, लेकिन उसके विरुद्ध भर्ती कर दी। जी, उसके विरुद्ध भर्ती करी है और 180 लड़कियां उन्होंने क्या फालतू ली, जबकि टोटल जो लड़कियां है वो 321 है और लेनी थी 133। और फिर क्या हुआ, लड़कों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने क्या दिया है कि इसमें जो है जो लड़कियां हैं उनपे उनके पास योग्यता है, उनके नंबर अच्छे हैं, तो इसलिए उन्होंने ले लिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब फिजिकल के जो मानक है वो अलग अलग थे तो उसमें कैसे उन्होंने योग्य कर लिया। हाँ, लड़कियों के लिए मानक अलग रहते हैं और लड़कों के लिए अलग। जो फिजिकल था उसमें मान लो कि लड़कों का फिजिकल बहुत ज्यादा टफ था और लड़कों का बहुत ज्यादा सिंपल था। अगर लड़कों की बात करें, जो लड़कों का औसत फिजिकल है वो लगभग 82 या 84, ये औसत फिजिकल है, और लड़कियों का है 96 या 98, ये लड़कियों का औसत फिजिकल है। तो कैसे कह सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है वो कैसे मतलब समान है। दूसरा पॉइंट इसमें जो एज का है वो क्राइटेरिया बता रहे हैं कि उसमें एज का भी मैटर बता रहे हैं, तो एज का इनमें क्या है, जो जनरल लड़के हैं उनकी जो एज है वो है 18-22 और जो लड़कियां हैं 23 और जो लड़कियां हैं उनकी 18-26। तो एज का क्या मैटर आ रहा है उसमें, एज का ये है कि योग्यता के आधार पर, ये एज के आधार पर भी ये पोस्ट दे रहे हैं ना, उनका आवंटन कर रहे हैं कि ये लड़कियां बड़ी है तो इनके आधार पर इन्हें पोस्ट ही दी जा रही है। जैसे किसी के नंबर अगर इक्वल है तो जैसे लड़के कोई बड़ी है तो उसके उसमें क्या दे रहे हैं, उन्हें पहले आवंटित उन्हें सीट दे रहे हैं। जो कम युवाओं का लगभग यह आरोप है कि जो नियमावली स्टार्टिंग में जारी की गई थी उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध जाकर यह रिजल्ट बनाया गया है, उसके विरुद्ध सारा का सारा जो रिजल्ट निकाला गया है वो सारा विरुद्ध लग रहा है। अब और युवाओं से जानते हैं और कुछ भी मामला सर, फायरमैन 445 पद थे तो इसका मतलब जब लड़कियां ली गई 75% ले ली जबकि पुरुष लिए 25% पूरे मामले में। मैं कहना चाहता हूँ अगर सही लड़के हमारे ऊपर होती 445 तो फिर तो पुलिस से एक बन जाता फायरमैन में, और आने वाले टाइम में बंदी रक्षा का पेपर ही होने वाला है हमारा, उसमें भी कैरम गर्ल्स और बॉयज दोनों ने प्रतिभाग किया है, तो क्या उसी हिसाब से ये रिजल्ट बनाया द्वारा फिर उसमें फिर लड़कियां आगे हो जाएगी सारी सारी काट के हमारी सीट, तो ये मुद्दा इसको सोल्यूशन करने जाए आपको। तो आपने अंदर बात की सर, अभी मिलने का तैयार नहीं, सामने अपनी अपना जो पास दे रखा है ना, तीन दिन से लगातार आ रहे थे, मीटिंग से मीटिंग चल रही है आयोग की, तीन दिन कहाँ से आए, हरिद्वार से, यहीं से, हरिद्वार लक्सर रोड बादशाहपुर से, सभी दूर से कौन कहाँ से आया है, पूरे उत्तराखंड से बच्चे हैं, पूरे उत्तराखंड से बच्चे आ रखे हैं यहाँ पर, किसी एक स्पेशल जिले से नहीं है, सभी जिलों से यहाँ। कितने पीड़ित यहाँ पर 35 बच्चे इन्होंने वो भी निकालने हैं जिनको बाद में ये बोल दिया गया कि आप फिजिकली अनफिट है, जब रिजल्ट आने से 10 मिनट पहले किसी चीज को नोटिफिकेशन जारी करते हैं और बोलते हैं कि ये फिजिकली अनफिट है। जब तो किस तरीके से आपके पास जब कोई बंदा नोटिफिकेशन जारी किया आयोग ने, लिस्ट जारी की है, जब कोई बंदा फिजिकल देने जा रहा है उसकी हाइट या किसी भी चीज में कमी है तो उसको तुरंत बाहर कर दिया जाए, फिर पेपर क्यों दिलवा रहे हैं, उससे DV क्यों करवा रहे हैं, और DV कराने के बाद आप बोल रहे हो फिजिकली अनफिट है, घर जाके सुपना आ रहा है कि रात को जाके उनको फिजिकली अनफिट से निकाल दो। सही है कि किसी भी भर्ती में देखने को यही मिलता है, जब उनके नापजोक होती है स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही, भर्ती की शुरुआत में ही, उसी नापजोक के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इनका कहना यह है कि
इनकी नाप जोक की गई, वेरीफाई किया गया, सब क्लियर किया गया कि आप काबिल हो इसके भर्ती के लिए, तब जाकर अगले पॉइंट पर इनको भेजा गया। इन्होंने पूरी भर्ती कंप्लीट कर ली, आपका यही कहना है ना? जी बिल्कुल, प्रोसेस पूरी भर्ती कंप्लीट कर, और खुद अपने ही तरीके से नियमावली को ताक पे रखते हुए बोलते कि हमारी नजरों में सब रिजल्ट सही है, हमने कोई इसमें गड़बड़ी नहीं की है। जबकि उनके खुद की जो नियुक्ति है, प्रेस वार्ता कर रहे हैं या किसी भी चीज को बोल रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, उनके द्वारा बोला गया कि हम 30% आरक्षण देंगे। जब किसी चीज को आरक्षण दिया जा रहा है, हमने मान लिया कि पुरुष और महिला आप बराबर मान के चले, तो बराबर किस आधार पर मान लिया आप उनको दोनों को कैसे फाइट करा रहे हैं? ना तो उनकी एज फिक्स कर रखी है आपने कि दोनों का क्राइटेरिया एज का मैटर फिक्स है, दोनों के किसी भी लड़की या लड़के के एज मैटर कर रही है उसमें। फिर उसके बाद उनकी जो योग्यता बना रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं ना कि हम योग्यता पर आधार बना रहे हैं कि जिसकी योग्यता ज्यादा हो रही है या किसकी एज ज्यादा हो रही है उसको मान्यता दे रहे हैं। नंबर बराबर, नंबर बराबर कब होंगे? जब आप एज ही अलग अलग रख रहे हैं सबके लिए, तो फिर एक साथ कैसे काउंट कर रहे हैं उसको? और फिर दूसरा पॉइंट उसमें है फिजिकल का, फिजिकल का क्राइटेरिया जब दोनों के लिए अलग अलग है, और यदि फिजिकल क्वालिफाई होता तो आप उन्हें यहाँ फाइट कराते चलना, और फिर जो SC की सीट है वो BC की सीट है वो तो रिजर्व रहेंगी, वो जब रिजर्व है तो उन सीटों के लड़के कहाँ चले? उन लड़कों का सिलेक्शन वहाँ क्यों नहीं हो रहा जब सीटें रिजर्व है? ओपन कैटेगरी हो रही है, ओपन कैटेगरी तब होती है जब फिजिकल क्राइटेरिया सेम होता। अब फिजिकल क्राइटेरिया जब अलग अलग है तो आप एक साथ काउंट कैसे कर सकते हो? मेरिट तो अलग अलग लगाओगे ना किसी चीज की। जी पिछली लगातार कई भर्तियों से लोक सेवा आयोग लगातार सबके घेरे में गिरता चला जा रहा है, इस बार फिर पुलिस की भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत फिर वही मामला बनके यहाँ सामने आ रहा है, और युवाओं का ये बात बिल्कुल सही लग रही है, यहाँ पर लोक सेवा आयोग सबके घेरे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी भर्ती के मानक तैयार किए जाते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही, और जो मानक यहाँ पर तैयार किए गए थे कि जैसे ही आप नापजोक में क्लियर होंगे उसके बाद आपको आगे भेजा जाएगा और आप पूरी भर्ती कंप्लीट करेंगे। पूरी भर्ती कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके रिजल्ट जारी करने से 10 मिनट पहले ही अभ्यर्थियों के पास एक मैसेज आता है कि आपको फिजिकली अनफिट कर दिया गया है, यह वाकई मानकों के विरुद्ध है। बाकी तो जांच का विषय है, अधिकारियों से जानेंगे। एक बंदा आया है जिसका फिजिकल में मात्र 2 नंबर चढ़े हुए, 2 नंबर कम कर देंगे, यानी कि उनके नंबर भी कम करे जा रहे हैं। पहले कुछ और लिखे, पहले कुछ और उनके फिजिकल आ रहे हैं, अब उनके नंबर कम आ रहे हैं वहाँ चढ़ गए, तो ये किस आयोग कैसे करना है? यह भी जाँच का विषय है कि उनको वहाँ पर नंबर कुछ और देकर साइन किया कराए गए उनके उनके सामने मौजूदगी में, लेकिन उसके बाद आज उनका जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें नंबर कम कर दिए गए हैं। लगातार लोक सेवा आयोग आरोप के घेरे में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कौन है, कहाँ से आया है? सर मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मुंशियारी से आ रहा हूँ। पिथौरागढ़ मुंशियारी से? यस सर। क्या मामला है? मेरा फिजिकल में था 98 मार्क्स। और आपको दिखाए गए थे? जी वो तो देखा मैंने, जॉलीग्राम में कराए थे आपने? जी बिल्कुल, ठीक है। अभी मेरा शो हो रहा है यहाँ पे 96, और रिटर्न में भी एक नंबर माइनस हो रहे थे। अच्छा, पहले वहाँ पर 98 का आपके क्लियर करने के बाद आपके साइन कराए गए बकायदा, इसके बाद अब आपको 96 दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। और तो उसके कारण ही आपको अनफिट किया गया? जी बिल्कुल, नहीं अनफिट, हाँ यस सर अनफिट भी हो रहा हूँ, और एक नंबर मेरा रिटर्न में भी हो रखा है। रिटर्न में भी कम? 90 अटेम्प्ट थे मेरे, और 89 का। वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं कि मेरे इतने नंबर? सर मैं अंदर जो जब प्रूफ बताएंगे वो देख लेंगे आगे लगा के। यस सर। जो आपने मतलब क्वेश्चन क्रॉस चेक किए हैं आपने, उसमें आपने जो उनको क्लियर किया है उसके आधार पर आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे पे ओमआर सी टू लिख दिया सर, उसमें 90 मैंने अटेम्प्ट कर रखा हूँ। जो आयोग आंसर की जारी करता है उसी के अनुसार मिला के मैच करके हर स्टूडेंट अपने नंबर डिसाइड करता है कि मेरे नंबर कितने। जी बिल्कुल, आयोग ने आंसर की जारी की है रिटर्न रिजल्ट के बाद, उससे मैच की गई है अभ्यर्थी द्वारा, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थी के नंबर कम कर दिए गए हैं, जबकि उनके पास आंसर शीट जारी है और उन्होंने मैच किए हैं अपने नंबर, उसके बाद भी अपने। सो गाइज, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लगातार क्वेश्चन मार्क आयोग के ऊपर उठ रहे हैं। अब अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं, किन्हीं के फिजिकल्स में कुछ और मार्क्स थे लेकिन जब रिजल्ट फाइनल आया तो उसमें कुछ और मार्क्स थे। तमाम क्वेश्चंस जो है आयोग पे उठ रहे हैं। हालांकि एक जो मामला सबसे ज़्यादा था फीमेल कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर, उसमें भी आयोग ने तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस अभी भी इस पुलिस भर्ती रिजल्ट पे उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आयोग को एक प्रेस विज्ञप्ति और जारी करनी चाहिए, एक संवाद और जारी करना चाहिए, जहां पर जितने भी क्वेश्चंस तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं उनका जो है जवाब आयोग को देना चाहिए, तभी ये मामला शांत हो सकता है। नहीं तो जिस तरह से लगातार ही मामला तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं
आयोग के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बनते हैं। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेशन बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।